मालिक तू कहता है कि हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है, तो परवरदिगार अबू तालिब का एहसान हो गया कि उसने नबी को पाल दिया, खतीजा का एहसान हो गया कि खतीजा ने दौलत दी, मालिक का बदला क्या देगा? कहा घबराओ मत, खतीजा की बेटी को भाग दूंगा, अबू तालिब के बेटे को इमामत का ताज दूंगा। यतीमी में हमारे प्यारे रसूल की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की है ना, तो अब्दुल्लाह के यतीम को किसने पाला? अबू तालिब ने, है ना, ये जहन में रहे कि यतीमी में परवरिश की रसूल के चचा अबू तालिब ने। और अब मेरे नबी की हदीस, सब ने लिखा किताबों में, सब ने, नबी ने फरमाया आना आना वक्फल यतीम है का हत्ताने फिल जन्ना, नबी कह रहे हैं कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे। तो जो आम मुसलमान यतीम की परवरिश करे वो जन्नत में होगा, अब जो रसूल अल्लाह की परवरिश कर दे भाई। अल्लाह ने अपने चाहते नबी मोहम्मद को किसके सपोर्ट किया? अबू तालिब के। मुझे ये बतलाओ कि निगाह खुदा में कायनात की सबसे ज्यादा कीमती शय कौन सी है? कि मेरे हबीब अगर तू ना होता तो मैं जमीन और आसमान को कायनात को खत ना करता। लो ला का लमा खलक तो लफलाक, लो ला का लमा खलक तो लफलाक, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खलक ना करता, है ना। तो ये जुमला बतला रहा है, ये जुमला बतला रहा है कि निगाह खुदा में सबसे कीमती शय क्या है? उसका नबी मोहम्मद, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कायनात की सबसे कीमती शय किसके सपोर्ट की? अबू तालिब के सपोर्ट कर दी, है ना। तो कितना ईमानदार होगा अबू तालिब निगाह खुदा में कि अपनी कीमती तरीन शय अबू तालिब के सपोर्ट कर दी, है ना। मूसा कह रहे हैं सूरह ताह 20वां सूरह कि मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। सूरह नमल में सुलेमान नबी अल्लाह फरमाने लगे अन आमला सालेहन तर्जा, अन आमला सालेहन तर्जा, मालिक मुझे कोई अमल बता मैं करूं और तू मुझसे राजी हो जाए। तो मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सुलेमान की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। अरे भाई किस नबी की ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह उससे राजी ना हो? आदम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। आसान करूं बात को, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। जबी तो हम जब किसी सहाबी रसूल का नाम लेते हैं तो एक दुआया कलमा नाम के साथ लगाते हैं, रजी अल्लाह ताला अनहो, ये दुआया कलमा है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। तो बहुत तवज्जो रखना, आदम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, नूह की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, इब्राहिम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, ईसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए।